गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजों अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुर्गुद को मारकर अपना इंतकाम नहीं ले लेता जब तक मैं अपनी बहन को नहीं दफनाऊंगा। सिमोन के कमरे में खुफिया रास्ता है आतिशदान के पीछे, आप जाइए भाई। इस लश्कर की सरबराही खुद अर्तुगरुल भाई अंजाम दे रहे हैं। अर्तुगरुल साहब फौत हो चुके। काई कबीला धुंधार जैसे नातजर्बेकार सरदार के हवाले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये काया भाई के लिए और ये तुर्कुस भाई बल्कि जुल्म के लिए। कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो भाई। हाँ भाई, तुम्हारे लिए भी। ये लो तुम्हारा हिस्सा। भाई इसे भागने मत देना। बमसी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दुआन भाई, माशाअल्लाह दुंदार भाई को देखो, वो भी अपने भाइयों की तरह कितनी जाबाजी से लड़ रहे हैं। ये मेरे सबसे बेहतरीन शागिर्द है। पेट्रोस, पेट्रोस, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। जाओ घोड़े तैयार करो जाके, जल्दी जाओ। याहिया जैसे पाक नाम को बदनाम करने वाले, तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। खबरदार, जो जानते हो बताओ। तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है? तुम्हारा साथ देने वाले कौन है? रियासत को कमजोर करने वाले गद्दार कौन है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। इसे जान से मार दो। बाहर जाने का एक और रास्ता है तुर्गुद। घोड़े तैयार हैं उस्ताद सिमोन, फौरन निकलना चाहिए। हाँ। ताजिर हसन, भाग निकलो। मुझे उसके पीछे जाने की इजाजत दे भाई। सिमोन को मेरे पास जिंदा लाना तुर्कुद। जो हुक्म भाई। दुआन, चलो मेरे साथ। शहीद तो नहीं हुआ कोई धुंधार? कोई नहीं हुआ भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अब हम यहाँ क्या करेंगे? इस्लामी कवानीन नाफिज करेंगे। यहाँ गैर मुस्लिमों के बनाए गए तमाम कवानीन से तिजारत को पाक करेंगे। अजान के बाद इस जगह को हम एक शानदार सराय में तब्दील करेंगे। तैयारी करो सब। आम कर दो यह खबर कि लोग खौफजदा ना हो। आज से जुल्म का निजाम खत्म हो गया। लाशों को दफना दो। इस बाजार को जल्द पहले वाली हालत में लाना है। जैसा आप कहें भाई। जो आपका हुक्म भाई। बिस्मिल्लाह करो। अंदर आ सकता हूँ हायमा खानम? आ जाओ अब्दुल रहमान। सरदार जानदार और उनके अहले खाना तशरीफ लाए हैं। अगर आपकी इजाजत है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जानदार साहब, खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। ये वक्त तो मुनासिब नहीं क्योंकि गम अभी बिल्कुल ताज़ा है हायमा खातून, लेकिन मैं एक बहुत आम मसले पर आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे। कहिए जो कहना है जानदार साहब। आलियार का ख्याल है कि अर्तुगरुल साहब और तुक्ता मिश मेरा भाई जिस जहर से शहीद किए गए हैं वो एक ही किस्म का था। बदजात सिमोन शैतान का चेला है। उसकी शैतान सिफत बहन मारिया ऐसा जहर बनाने की माहिर है। इससे यह बात साबित होती है कि जहर वहीं से आया था। अब जबकि वो खुली दुश्मनी पर उतर आए हैं, हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम उनके सराय पे हमला करके अर्तुगरुल साहब का इंतकाम लेंगे। आप बेफिक्र रहें जानदार साहब। अर्तुगरुल अपना इंतकाम ले चुका है। या अल्लाह, मैं इस फतह पर तेरा शुक्र बजा लाता हूं। इस फतह के नताइज हमारे हक में करते। आमीन। भाई 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 आपको ये दही खानी चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ताकत देगी आपको। खाएं भाई। क्या बात है बमसी, खुश लग रहे हो बहुत ज्यादा। सरदार जानदार और ओराल के बारे में सोच रहा हूं भाई। दरअसल मैं उनके चेहरे के तासुरात देखना चाहता हूं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया बमसी। जज़ाकल्लाह भाई। शुक्र है मेरे मालिक का, रब ने मेरे बेटे को नई जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से वो जहर उसके जिस्म से रफा हो गया। मेरा बेटा जिंदा है जानदार साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो हायमा खातून। अर्तुरुल भाई कहाँ हैं? क्या हम मिल सकते हैं उनसे? अर्तुरुल साहब सराय को सलीबियों के आलायकार सिमोन के सर पर गिराने गए हैं। आलियार बेटा सलीबी? क्या सिमोन सलीबी है? बिल्कुल। अब इन सलीबियों के जुल्म को खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो अब हमसे नहीं बच सकेंगे। लेकिन आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई हायमा खातून? माफी चाहते हैं सरदार जानदार। काई कबीला चारों तरफ से फितनों में घिरा हुआ है। अर्तुरुल साहब की तजवीज थी कि उनके जिंदा रहने की खबर को सीगाए राज में रखा जाए। उम्मीद है आप दरगुजर करेंगे। जी बिल्कुल हलीमा खातून, बहुत मुबारक हो आपको। इसका मतलब है कि हम पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं अर्तुरुल साहब को। अर्तुरुल भाई का फैसला दुरुस्त है। अल्लाह जिहाद कबूल करे और उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। फिर हम यहाँ किस इंतजार में बैठे हैं? हमें भी फौरन इस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ओराल फरमाइए बाबा। फौरन सिपाहियों को तैयारी का हुक्म दो। हमें अर्तुरुल साहब की मदद के लिए जाना होगा। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ हायमा खानम। आ जाओ अब्दुल रहमान। हायमा खानम सराय से खुशखबरी आई है। अर्तुरुल भाई ने सराय पर हमला करके उसे फतह कर लिया है। तेरा बहुत शुक्र है रब। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अब्दुल रहमान सराय का मालिक सिमोन मारा गया क्या? मुझे बस यही खबर मिली है ओराल साहब। हमें मुबारकबाद के लिए अर्तुरुल साहब के पास जाना चाहिए। चलो अर्तुरुल साहब ने हमें भी अंधेरे में रखा। जाहिर है कि अब हम उनके भरोसे के काबिल नहीं रहे। मैंने तो पहले ही कहा था अर्तुरुल मजीद ताकतवर हो जाएगा और हम बिखर कर रह जाएंगे। क्या आपको नजर नहीं आ रहा भाई? फतह पाने वाली जमात हम में से है। कितने सालों से आप उस बदबख्त सिमोन के साथ तिजारत करते रहे और एक मुसलमान के गालिब आने से आपको तकलीफ हो रही है भाई। अर्तुरुल जब हमारे कबीले पर कब्जा जमा लेगा तब तुम्हें अपने अल्फाज याद आएंगे। क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहोगे? कब अकल आएगी तुम दोनों को? चलो सराय जाना है। मैं नहीं जा रहा बाबा, आप जाके खुद ही जश्न मना ले। उराल कितनी अजीब किस्मत है मेरी, ख्वाब सच होने से पहले ही टूट गए। कैसे सहूं मैं ये ख्वाब, कैसे बर्दाश्त करूं। न जाने ये आजमाइश कब खत्म होगी। अपने प्यार को बचा के रखो असलिहान। किस प्यार की बात कर रही हैं? हलीमा सुल्तान के बारे में सोच रही हूं मैं तो। समझ सकती हूं मैं। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अपने आप से बातें करना छोड़ दो अब और अपने दिल की बात उससे कहो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। आप ये क्या कह रही हैं? किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं है मुझे। खुद को देखो जरा, दीवानी हो गई हो तुम, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। अर्तुरुल साहब जिंदा हैं, जहर को भी मात दे दी उन्होंने। क्या? झूठ तो नहीं है ना ये? कहाँ है वो इस वक्त? जरा सब्र से काम लो खातून, बहुत जल्द देख सकोगी उन्हें। फतह करके आते ही होंगे सराय को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा सुल्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए तुम्हें जाकर। लेकिन हलीमा सुल्तान के सामने अपने जज्बात काबू में रखना। भाई, खबर आई है कि सराय पर हमला हो गया है। अर्तुरुल जिंदा है और उसी ने ही हमला किया है। खबर मिल गई है बतुहान, जानता हूं मैं, लेकिन मुझे ये खबर हमले से पहले ही मिल जानी चाहिए थी। वो बदरात सिमोन कहाँ है? सिमोन वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। तुर्कुद सिपाही और दुआताकुप में गए उसके। इससे पहले कि वो अर्तुरुल तक पहुंच जाए उसे ढूंढना है मुझे, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या हमें अपने सिपाही उसके पीछे भेजने चाहिए? नहीं, वो खुद मुझ तक आएगा बतुहान, उसे मैं ही बचा सकता हूं, जानता है वो। अगर हम उसके पीछे गए तो वो फरार हो जाएगा। मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं आपके साथ भाई। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखकर भाग जाए। हालात बदल गए हैं बतुहान, तुम हाचा तुरियान का ताकुब करो, देखो क्या कर रहा है वो। शाबाश। वालिदा, बाबा कब तक आएंगे? जल्द आ जाएंगे वो, और देखेंगे कि उनका बेटा कितना बहादुर है। वालिदा, मैं अपनी तलवार साथ रख लूं? हाँ बेटा, जरूर रखो। जंगजू तलवार के बगैर थोड़ी होता है। जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल अर्तुरुल की तरह बात करता है। मेरा पोता भी एक दिन अपने बाबा की तरह बहादुर जंगजू बनेगा इंशाल्लाह। वालिदा, ये हो गया मेरा सिपाही तैयार। दादी जान, माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा, दिखाओ जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाओ शाबाश। अल्लाहू अकबर। वालिदा, मोअज़्ज़ज़ीन को बुलाकर हालात से आगाह कर देना चाहिए उन्हें, और शुक्राने के तौर पर पूरे कबीले को खाने पर मदू करना चाहिए। जरूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हायमा खानम? आ जाओ बेटी, आ जाओ। खुश आमदीद, तशरीफ रखो। अल्लाह का शुक्र है बहुत, आपके फर्जंद सही सलामत हैं। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए बहुत कम होगा। वो रात हमारे लिए बहुत भारी थी बेटी, अल्लाह ने अपना कर्म किया। हर परेशानी के साथ उसका हल भी होता है हायमा खानम। दुश्मन के इबरतनाक अंजाम के बाद दोनों कबाइल में अमन और सुकून रहेगा। उन दुश्मनों का सर तो अर्तुगरुल साहब बहुत जल्द यहाँ लेकर आ जाएंगे, लेकिन जो दुश्मन हमारे कबीले में छुपे बैठे हैं उनका अंजाम भी इबरतनाक होगा। हमारी खुशियां और गम एक से हैं हलीमा खातून। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी आपके लिए। आपकी हर एक बात पर मुझे यकीन है असलिहान खातून। खुशी हुई सुनकर। सरदार की वापसी के मुंतजर हैं हम। आज शाम पूरे कबीले को दावत पर मदू किया है। बहुत खुशी होगी अगर आप भी तशरीफ लाएंगी। हिम्मत रखो गुनकुत, आर्तुक भाई और इसहाक पहुंचने वाले होंगे। मेरी ख्वाहिश तो अपने रब से मुलाकात की है भाई। अल्लाह मुझे इससे भी बड़ी फतुहात में शहादत नसीब करे। आमीन। आमीन भाई। क्या हालात है? तमाम कारीगर और ताजिर बाजार आने पर आमादा हो गए हैं, बाहर आपके मुंतजिर हैं। वो लोग आपसे मिलने के लिए बेताब है भाई। उन्हें डर था कि उनका जरिया माश खत्म हो गया है। वो लोग बहुत परेशान थे भाई, लेकिन हमने कहा कि पहले हमारे सरदार से मिल लो, उसके बाद फैसला करना। जिस तरह हमारी तलवारें जुल्म के खात्मे की नवीद हैं, वैसे ही हलाल तिजारत भी खुशियां लेकर आएगी। अमन का पैगाम दो उन्हें, कोई काबिल ताजिर ढूंढो बाजार में हैसियत हो जिसकी, और पैगाम दो उसे कि मैं मिलना चाहता हूं उससे। जो हुक्म भाई। बहादुरों, मेरे जंगजू, तुम्हारी जुर्रतमंदी से नसीब हुई फतह, लेकिन अब और जुर्रत दिखानी है। साबित करना है कि तुर्क तिजारत कर सकते हैं। तिजारत को हलाल तरीकों पर उस्तवार करना होगा हमें। गलत बयानी से इज्तनाब करना है। अब जबकि यह बाजार हमारा है, यहां के ताजिर हमारी रियाया है, उन सब की जान, उनका माल और उनकी इज्जतों की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी होगी। दुश्मन बड़ी साजिश करेगा, मुश्किलात में इजाफा करेगा, लेकिन हमारी इस्तिकामत और मकसदियत को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह हमें दायमी फतह और गलबा नसीब फरमाए। आमीन। सुमामी। पेट्रोस, काराजैसर के जमींदार को पूरा अहवाल सुनाओ जाके। लेकिन उस्ताद सिमोन, उस मुआहदे का क्या? हमारे साथ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे साथ मुआहदा कर लेगा ताजिर हसन। तुम्हारा माल लुट जाने और तुम पर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाना उसे। किले में पनाह लेने की दरखास्त करना उससे। हम में से किसी एक का किले में होना जरूरी है। आप क्या करेंगे उस्ताद? कहाँ जाएंगे? मैं ओराल को ढूंढ लूंगा। अब उस पर कर्ज है मेरा, वो कर्ज वापस लेना है मुझे। खुदाबंदा आपकी मदद करे। भाई, का छुपा हुआ खजाना मिला है भाई। अच्छा, तो रियान उस्ताद ने सही कहा था, अगर तुम्हें सोना ढूंढना है तो उसकी खुशबू से पहचानो। भाई, ऐसा लगता है कि किसी ने आसमान के तारे तोड़कर सारे के सारे यहां मेरी आंखों के सामने बिछा दिए हों। मेरे अल्लाह, अपनी जिंदगी में इतना सोना नहीं देखा मैंने। इस सोने का हर जर्रा सलीबी जंग के लिए राह हमवार करने में सर्फ होता है। इसी सोने से हमें आपस में लड़वाने की साजिश की जाती है। मजलूम मुसलमानों को खरीदा जाता है और इसी सोने से हमारे लश्करों पर हमले करवाए जाते हैं। यह इस सरजमीन पर हमारा पहला माले गनीमत है, इसलिए हम लोगों पर लाजिम है कि हम इसे हकदार तक पहुंचाएं। सबसे पहला हक हमारे उन शहीदों के वरसा का होगा जो जंगों में हमारे साथ लड़ते हुए शहीद हुए। उसके बाद कबीले की जरूरियात पूरी की जाएंगी। और जो बच जाएगा भाई? बचने वाले सोने से मंगोलों के जुल्म का शिकार और अपने इलाकों से बेदखल तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करने में सर्फ करेंगे। वो कबाइल जिनका इस सरजमीन पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। काई परचम लहरा दो इस इमारत पर। भाई, हाजिर हूं मैं मकतूब तहरीर करने के लिए। आओ बैठो। शुक्रिया भाई। हुक्म कीजिए। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल, आज से इस बाजार का हाकिम हूं मैं। हर शख्स ये जान ले कि मेरे माल, मेरी जान और मेरी इज्जत पर नजर रखने वाला दुश्मन है मेरा। आज से जुल्म के अंधेरे का खात्मा हो चुका है यहां। अब बिला जवाज एहसान नहीं, हक और इंसाफ कायम होगा। हक हासिल करने और जायज मुनाफा कमाने की हर एक को इजाजत होगी। हलाल और जायज कारोबार करने वालों को मदद फराहम की जाएगी। धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, नाजायज तरीके से इस बाजार में कारोबार करने वाला मेरे गजब का शिकार होगा। और आखिर में सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल कहता है कि हमारे साथी हमारी तलवारों पर भरोसा रखें और दुश्मन अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। खत तैयार है भाई। निशान यहां खत्म हो गए। भाई वो यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। निशान मिटा दिए हैं उसने। वो किसी और तरफ निकल गया। अतराफ का जायजा लेते हैं भाइयों। निशान उधर दोबारा जाहिर हो रहे हैं। ये रास्ता तो चौवदार कबीले की तरफ जाता है। ओराल के पास पनाह लेने गया होगा। ओराल, इस बार बच नहीं पाओगे, शहीदों का बदला लेकर रहूंगा। चलो आ जाओ भाइयों। इस तरफ मेरे भाई। मोअज़्ज़ीन, मैं जानती हूं कि आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। अर्तुगरुल सरदार के जनाजे के बारे में आपने क्या फैसला किया है मखानम? हम सब आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैयत को दफना देना चाहिए। हमें अर्तुगरुल सरदार की रूह के सुकून के लिए जल्द से जल्द उनकी तदफीन कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के कफन दफन की मुझसे ज्यादा आप लोगों को जल्दी है। आप हक बचाने पे, लेकिन हर चीज मुकर्ररा वक्त पे ही होती है। आप नाराज ना हो हायमा खानम, लेकिन कबीले का मुस्तकबिल खतरे में है। हमें फौरी तौर पर अपना नया सरदार मुंतखब कर लेना चाहिए। कबीले का सरदार कौन है ये वाजे है। अर्तुगरुल साहब हयात हैं। जहर ने भी घुटने टेक दिए उनके आगे। बहुत शुक्र है। अरे सुना तुमने, ये तो बहुत खुशी की बात है। हलीमा सुल्तान, क्या आप सच कह रही हैं? हायमा खानम, जो सुना क्या वो दुरुस्त है? दुरुस्त सुना आप लोगों ने। वो सेहतयाब होने के बाद शहीदों का इंतकाम लेने सराय गए हैं और उस सिमोन बदबख्त के जुल्म से मजलूमों को बचाने और बाजार को फतह करने गए हैं। या अल्लाह पाक, तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। हमारे सरदार जिंदा है, बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है। आपके लिए मेरे पास एक और खुशखबरी है। अल्लाह की मदद से सराय पर किया जाने वाला हमला इख्तिताम को पहुंच चुका है। हमारे अर्तुगरुल सरदार काय का अजीम परचम उस सराय पर लहरा चुके हैं। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद, 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 अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद। हमारी जान और माल कुर्बान है सरदार पर। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह राजी हो। आज शब फतह का जश्न मनाएंगे हम। यही खुशखबरी सुनाना चाहती थी मैं आप लोगों को। इजाजत है। अर्तुगरुल साहब ने तो यहाँ का नक्शा ही बदल दिया और आज के बाद इस सरजमीन पर अर्तुगरुल हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। तुम्हारे पास अर्तुगरुल से बचने के लिए क्या तजवीज है, बताओ मुझे। ये अर्तुगरुल से बचने की तजवीज नहीं है, बल्कि उसे मारने की है। हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है हलीमा खातून। जो ताकतवर होता है उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं।